नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह स्वयं स्वयं प्रभा। ये आपके नेट के फर्स्ट पेपर का भी पोर्शन है, आपके एजुकेशन का पोर्शन है, सीटेट के लिए भी ये अच्छा खासा पोर्शन है क्योंकि डिजिटलाइजेशन तो सब चीज़ का हो रहा है। तो पहले हम बात करेंगे स्वयं की, तो इसका फुल फॉर्म देखें तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, इसका फुल फॉर्म होता है स्वयं प्रभा। ये क्या होता है? टीवी चैनल। अभी मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी। अगर बात करें इसके उद्देश्यों की तो इसका उद्देश्य मुख्य यही है कि ये जो ज्ञान की पहुंच को बढ़ाने के साथ साथ इक्विटी एंड इक्वलिटी, मतलब सबको जितनी जिसको ज़रूरत है समता और समानता, मतलब किसी में भेदभाव नहीं करना, सबको ज्ञान उपलब्ध कराना और ज्ञान के स्रोतों को उपलब्ध कराना। यहाँ पे अगर बात की जाए जो संस्थाएं से जुड़े स्वयं से, इग्नू है, सीईसी है, एनसीईआरटी, यूजीसी, एनआईओ, आईआईएम है, आईआईटीज के भी कुछ पोर्शन इसमें है, एनपीटीईएल है, एनआईटीटीटीआर, तो ये सारी चीज़ें स्वयं से जुड़ी हुई हैं। अगर स्वयं प्रभा की बात करें तो इसमें अगर बात पूछा जाए कुल कितने चैनल्स आते हैं, ये टीवी प्रोग्राम है जैसे सैटेलाइट से जो आपकी जीसैट 15 उपग्रह है उसके माध्यम से उपलब्ध कराया गया, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें शिक्षा के और नज़दीक ले जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम हर बुक्स नहीं पढ़ सकते, हर नॉलेज नहीं ले सकते, तो यहाँ पे ये शिक्षा की पहुँच को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यह कार्यक्रम है। इसमें कुल कितने चैनल है? 32। सभी बात करेंगे कौन कौन से चैनल है। MHRD और AICTE ने मिलके इसको बनाया। इस समय अगर पूछा जाए कौन MHRD के प्रमुख हैं तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल, ठीक है, निशांक ही इस समय MHRD के प्रमुख हैं। फिर swayamprabha.gov.in इसकी वेबसाइट है, और उसकी स्वयं की क्या है, swayam.gov.in इसकी वेबसाइट, आप खोलेंगे तुरंत आपको दिखेगा। बात करते हैं 32 चैनलों की, तो कौन कौन से चैनल हैं यहाँ पे बात करेंगे हम, तो आपका वागीश है, संस्कृति है आपका, उसके अलावा प्रबोध है, सारस्वत है, प्रबंधन है, विदिक है, कौटिल्य है, आर्यभट्ट है, स्पंदन है, दक्ष है, फिर NPTEL की साइट्स है 11 से 18 तक। फिर उसके अलावा बात करें तो आपका IITs की जो चैनल्स चलते हैं 19 से 22 तक है, फिर इग्नू का है, NIOs DLED की अगर पूछे तो 25 26 पे इग्नू के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की चीज़ें हैं, NIOs जो 9-10 का है वो 27 पे है, फिर 28 पे NIOs 11-12 है, इग्नू इन्फिबनेट जो शोध गंगा जैसे आपका होता है उस प्रकार की जो साइट्स हैं वो 29 पे आपकी आती हैं, और NIOs आपका यहाँ पे 30 पे भी है, और NCERT 31 और 32, जो ये 31-32 है टीचर एजुकेशन पे। ये तो आपका मुख्य मोटा मोटा ये हुआ कि इसके अंदर है क्या। जैसे बात करिए है क्या, तो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शिक्षा को डिजिटल बनाना, मतलब जैसे आपका ई अधिगम है उसकी बात की जा रही है। ई अधिगम आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तो हम वही कर रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जो हम साथ में अध्ययन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी ई अधिगम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अधिगम। उसमें आपके कई ऐप्स होते हैं, कई वेबसाइट्स होती हैं, कई वीडियोस होते हैं, तो अगर जी सिर्फ ऐप्स की बात की जाए स्वयं एक आपका ऐप भी है, मैं आपको बताती हूँ कौन किस प्रकार से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। स्वयं का जो आपका साइट है वो है swayam.gov.in, आप देखिए यहाँ पे अबाउट स्वयं लिखा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे है, किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, वीडियो लेक्चर है आपका, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल है, प्रिंटेड नॉन प्रिंटेड सारी चीज़ें, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है, मतलब आप ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यहाँ AICTE, NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, और NITTTR यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्कूल एजुकेशन का है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, देखिए स्कूल एजुकेशन में NIOS है, NCERT, ये 9-10, 11-12 की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 9th से, उसके पहले के बच्चों का नहीं है इसमें, आप ध्यान रखिएगा इस बात। और ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक
तक चलता है, और भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं। अब इग्नू तो आप जान रहे हैं कि पीजी वगैरह सारी चीज़ें, उसमें डिप्लोमा वगैरह भी आता है। आउट ऑफ स्कूल की बात करें तो इग्नू और NITTTR। अंडर ग्रेजुएशन आपकी बात की जाए तो NPTEL, AICTE, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह जो आपके कराते हैं, AICTE आप देखे होंगे, एफिलिएटेड आपका ये कॉलेजेस होते हैं, उसकी बात CC IIMB। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन है, NPTEL, AICTE और IIMB, UGC एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MOOC, मतलब मॉक गाइडलाइंस जो आपके यहाँ पे PDFs पड़े हुए हैं, आप इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं। गाइडलाइन फॉर डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्वयं, जो कोर्सेज आपके डेवलप किए जाते हैं उसकी बात है। यूनिवर्सिटी ग्रांट, अरे यहाँ UGC के गजट आपके हैं, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। अब ये तो स्वयं की बात थी, ठीक है, अब यहाँ अबाउट स्वयं था। अभी आप होम पे जाएंगे तो आपको पूरी चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, इंस्ट्रक्शन असेसमेंट और सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। अब हम स्वयं प्रभा की बात करेंगे। स्वयं प्रभा मेरे पास यहाँ पे इसका ये ऐप है स्वयं प्रभा का, तो ये देखिए यहाँ पे सैटेलाइट पहले ही बनी हुई है। अब स्वयं प्रभा आप देखेंगे तो यहाँ पे चैनल्स हैं, देखिए चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 4 चैनल 5, ऐसे करके 32 चैनल्स है। अब देखिए मुझे कौन कौन सा काम है, या टीचर एजुकेशन वाला काम है तो हम टीचर एजुकेशन पढ़ेंगे, साइकोलॉजी का भी इसमें है तो साइकोलॉजी का पोर्शन आपका हमें लगता है सेकंड चैनल पे है। यहाँ पे देखिए UGC ह्यूमैनिटीज आर्ट्स नहीं फिलोसफी का, यहाँ पे साइकोलॉजी भी आगे होगा यहाँ पे, और भी कई चीज़ें। हाँ चैनल 4 पे आपका साइकोलॉजी होम साइंस एजुकेशन सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप तुरंत आप हमेशा चलते रहते हैं ये, आप इस पर चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें डायरेक्टली देख सकते हैं, कोई भी चैनल देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उससे अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या दो आपके डिजिटल एजुकेशन ई अधिगम के सोर्स हैं, और ये आपके सिलेबस में एकदम सीधे सीधे दे दो, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। हमको बस इसका अध्ययन करना है कि किस प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे शिक्षक को और सरल और सहज बनाने के लिए इनका निर्माण किया गया है। तो हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ DTH चैनल्स शैल कवर फॉलोस, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें, यहाँ पर सारी चीज़ें दिया गया है, PM की स्पीच भी है। तो हमें बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हमारे लिए हर चीज़ उपलब्ध करा दी गई, अगर हमें पता नहीं तो हम ये हमारी कमी है। तो इसीलिए इसको सिलेबस में डालेंगे कि इसी बहाने लोग जानें कि वास्तव में ये है क्या और इसका यूज़ कर सकें।